हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अजय बहुगुणा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। हमारी इंग्लिश की क्लास में आपका फिर एक बार स्वागत है। नई चीज़ हम लेकर के आते हैं आज आपके लिए। कल हमने हमारा एक टॉपिक क्लियर करा था नाउन एंड केसेस का, आज हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक हमारा चालू करते हैं। वो टॉपिक क्या होगा? प्रोनाउन। ठीक है, नाउन के बाद में हम प्रोनाउन के टॉपिक को चालू करते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड हमारे सामने क्या प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज इसके अंदर होती है, किस प्रकार से हमारी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, वही हम इस प्रोनाउन की क्लास के अंदर देखेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है, इस प्रोनाउन का अर्थ हमें पता होना चाहिए। इसमें से आधा हमने पढ़ लिया, यानी कि NOUN नाउन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके शुरू में ये प्रो शब्द यूज़ हुआ है। ये प्रो शब्द यूज हुआ है तो इस प्रो का अर्थ क्या होता है? नाउन से पहले अगर ये प्रोनाउन यूज हो गया, प्रो यूज हो गया, तो इस प्रो का अर्थ क्या होता है बच्चों? सबस्टिट्यूट। यानी ऐसे शब्द जो क्या कर दें? नाउन को सबस्टिट्यूट कर दें। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाए वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। तो प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? सबस्टिट्यूशन ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाएगा वो प्रोनाउन होगा। जैसे मैंने कहा सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सीता सिंग्स वेरी वेल। ठीक है, अब देखो, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीता बुद्धिमान लड़की है, सीता बहुत बढ़िया गाती भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहां भी हमने सीता लिखा जो कि क्या अपने आप में एक नाउन है, और यहां भी हमने सीता लिखा जो भी अपने आप में क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो रेपिटेशन ऑफ द सेम नाउन हो गया, इस सेम नाउन का रेपिटेशन हो गया। और हमारी अंग्रेजी में अगर सेम नाउन का आप रेपिटेशन करते हो तो वो ऑकवर्ड माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा सा सेंटेंस हमारा भद्दा सा प्रतीत होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग उस नाउन के स्थान पर करते हैं वो आपका क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो इस सेंटेंस को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा और एलिगेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिखा सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और इस सीता की जगह हमने कर दिया शी सिंग्स वेरी वेल। तो दिखने में हमारा सेंटेंस भी बढ़िया हो गया और एलिगेंट भी हो गया, अट्रैक्टिव भी हो गया, और सबसे बड़ी बात हमने नाउन का रेपिटेशन भी नहीं करना पड़ा, हमें उसकी जगह एक प्रॉपर वर्ड मिल गया जो हमारे सेम सेंस को कन्वे कर रहा है। तो नाउन जब भी आपके वाक्य में आएगा तो वो क्या करता है? रिप्लेस करता है किसको? एक रेपिटेशन ऑफ ए नाउन को, नाउन के रेपिटेशन को रिप्लेस करता है, और सेंटेंस को एलिगेंट बनाने का काम हमारा क्या करता है? ये प्रोनाउन करता है। और हम इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, और ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन ही हमें बताएंगे कि एरर इनसे रिलेटेड कहाँ कहाँ आ सकता है। तो बेसिकली हम जिस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स की बात करेंगे वो आपका एक होगा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा प्रोनाउन जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा टाइप ऑफ प्रोनाउन जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा जो आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा हम जो पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, छठा इंडेफिनेट
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन के अंतर्गत हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे वो ये आठ हमारे प्रोनाउन होंगे कि किस तरीके से ये आठ प्रोनाउन हमारे किसी वाक्य के अंदर यूज होते हैं और इनसे रिलेटेड समस्याएं हमारे सामने क्या क्या आ सकती है। तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके प्रोनाउन हो गए व्यक्तिवाचक। इसको आप हिंदी में कह सकते हो निजवाचक। डेमोस्ट्रेटिव को हम कह सकते हैं संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव को आप कह सकते हो विनिमयवाचक, विनिमयवाचक या विनिमय सूचक, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इनडेफिनेट अनिश्चित हो गया, इंट्रोगेटिव आपका प्रश्नवाचक हो गया, रिलेटिव आपका संबंधवाचक हो गया। तो ये अलग अलग आपके प्रोनाउन है किस प्रकार से हमारे किसी वाक्य के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं और वाक्य के अंदर इस्तेमाल होकर के क्या करते हैं, हमारा अलग अलग अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया आपका व्यक्तिवाचक, रिफ्लेक्सिव हो गया जो आपका निजवाचक हो गया, स्वयं के बारे में बात करेगा, डेमोस्ट्रेटिव हो गया संकेतवाचक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया आपका विभाजक हो गया, रेसिप्रोकल हो गया आपका विनिमयवाचक हो गया, इंडेफिनेट आपका अनिश्चित हो गया, इंट्रोगेटिव आपका प्रश्नवाचक हो गया, और रिलेटिव आपका क्या हो गया, ऐसे सर्वनाम जो संबंधों को बताते हैं किसी के साथ में, वो क्या करते हैं आपके आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इस प्रोनाउन के अंतर्गत हम इन सभी आठ प्रोनाउन को कवर करेंगे और इन प्रोनाउन के टाइप से चलें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक टेबल आप लोग समझ लें कि किस प्रकार से ये प्रोनाउन होते हैं और इन्हें प्रोनाउन कहा क्यों जाता है, और कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो हम जब सर्वनाम की बात करते हैं तो हम सर्वनाम की बात जब करते हैं तो हम इसे पर्सन के अंदर इंक्लूड करते हैं। पर्सन हम हमारे पास बेसिकली कितने लेते हैं, तीन पर्सन लेते हैं। पहला हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पहला हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। हम जब इस प्रोनाउन की बात करते हैं तो इस फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं कि हमारे पास कुछ फर्स्ट पर्सन भी होते हैं, और ये फर्स्ट पर्सन क्यों होते हैं और कौन से होते हैं ये देखेंगे, और इन्हें फर्स्ट पर्सन क्यों कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास सिंगुलर भी होता है और हमारे पास प्लूरल भी होता है। ध्यान रखिएगा, हर पर्सन का अपना एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल भी होता है। बेसिकली हमारे पास तीन पर्सन होंगे, उन तीन पर्सन की हम बात करेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन के पास अपना एक सिंगुलर होता है और अपना ही इसके पास क्या होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव केस कि जब बात करें तो सिंगुलर में हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आपको क्या मिलता है, आई मिलता है, और प्लूरल में आपको क्या मिलता है, वी मिलता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या हो गया, आई और वी हो गया, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हो गए। दूसरा हम इनका पजेसिव केस देख लेते हैं। आई का पजेसिव केस माई हो जाता है और वी का हमारा पजेसिव केस आवर हो जाता है। अब देखो कि हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे थे, हमने कहा हर पर्सन का अपने पास सिंगुलर भी होता है, हर पर्सन का अपने पास प्लूरल भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हर पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल होगा, क्योंकि वाक्य जब हम बनाएंगे या वाक्य में जब एरर देखेंगे तो ये चीज़ें बड़ी काम आने वाली है। कि आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन होंगे, पहली बात तो इनको फर्स्ट पर्सन क्यों कहा जाता है, इनमें ऐसी क्या चीज़ है कि इनको हम फर्स्ट पर्सन कहें, इनको हम सेकंड पर्सन क्यों ना कहें। तो सबसे पहली बात है, आप आई और वी से अगर कोई भी सेंटेंस बनाएंगे जहां पर बोलने वाला यानी ऐसा व्यक्ति जो बात कर रहा है वो स्वयं बात के अंदर शामिल है तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। यानी आई और वी से आप कोई भी सेंटेंस जब बनाते हो तो आप स्वयं भी उस बातचीत के अंदर शामिल हो, यानी ये स्पीकर होते हैं, बोलने वाले लोग होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन
कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पीकर होंगे और स्पीकर में आई से जब सेंटेंस बनाओगे तो आप सिंगुलर की बात कर रहे हो और वी से जब सेंटेंस बनाओगे तो आप प्लूरल की बात कर रहे हो। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है ये पजेसिव केस। ये पजेसिव केस क्या होता है? ये पजेसिव केस हमने पहले भी देखा था आपको नाउन का चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ये पजेसिव केस होते हैं सारे, माई हो गया, आवर हो गया, इसी तरह उसका यावर आएगा सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन के भी अपने पॉजिटिव केस आ जाएंगे। ये पॉजिटिव केस क्या होते हैं? किसी पर अपने स्वामित्व को बताने की कोशिश करते हैं, किसी पर अपने अधिकार को बताने की कोशिश करते हैं। और ये जब स्वामित्व को बताने की कोशिश करेंगे या अधिकार को बताने की कोशिश करेंगे तो इनके साथ कोई नाउन होना चाहिए जिस पे ये अपने अधिकार को बताएंगे। तो ये पजेसिव केस के जितने भी आपके ये प्रनाउन आ रहे हैं ये क्या करेंगे, ये अपने साथ किसी नाउन को जरूर लेंगे, इनको पजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। और तीसरा केस होता है इनका ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में अगर किसी वाक्य के यूज होने हो तो कैसे होते हैं? आई मी के रूप में यूज होता है, वी आवर अस के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन ऐसे व्यक्ति या ऐसे वाक्य जिनमें बोलने वाला स्वयं बातचीत के अंदर शामिल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। अब बात करते हैं हम हमारे सेकेंड पर्सन की। ठीक है, सेकेंड पर्सन की बात करते हैं और सेकेंड में हम कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो देखो सेकेंड पर्सन में हमारे पास क्या रहता है? यू। सेकेंड पर्सन में हमारे पास क्या रहेगा? सेकेंड पर्सन में हमारे पास रहता है यू। ठीक है, और ये यू क्या होता है? यहां पे मैंने डैश लगाया। डैश लगाने का मतलब क्या? इस तरीके से अलग अलग नहीं करा, डैश लगाया। डैश का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर और प्लूरल, यानी ये जो यू है आपका ये सिंगुलर यानी एक वचन का काम भी करेगा और प्लूरल यानी ये बहुवचन का काम भी करता है। तो यू का यू ही रहता है, सिंगुलर में भी वो यू रहेगा और प्लूरल में भी वो यू रहेगा, लेकिन जो वर्ब उसके साथ आएगी वो हमेशा क्या आएगी? वो हमेशा आपको प्लूरल ही यूज करनी है। यू के जब पॉजिटिव केस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? योर। और ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो यू ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है? यू के रूप में ही यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक? यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा? यू ही होगा। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड पर्सन पे। तो इनको यू कहां का क्यों कहा गया? ये सेकंड पर्सन क्यों कहा गया यू को? क्योंकि यू से आप जब भी कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो ये यू हमेशा क्या होगा? लिसनर होगा। लिसनर यानी ये सुनने वाला व्यक्ति है, ये लिसनर है, ये सुनने वाला व्यक्ति है। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाले लोग थे, सेकंड पर्सन क्या हो गया? सुनने वाले लोग हो गए, ये बोलते नहीं है ये सुनते हैं। तो जो आपकी बात को सुन रहा है वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आगे तक आप लोगों के काम आने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो थर्ड पर्सन के अंदर हम सिंगुलर की बात करेंगे और प्लूरल की बात करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि हर पर्सन के पास अपना खुद का सिंगुलर भी होता है और खुद का क्या होता है? प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर के रूप में अवेलेबल है ही, शी, इट। ठीक है, और प्लूरल के रूप में अवेलेबल है हमारे पास दे, यानी थर्ड पर्सन में ही, शी, इट ये सारे क्या हो गए? आपके सिंगुलर हो गए और प्लूरल में क्या हो गया? दे हो गया। अब बात आती है कि इनको थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं? तो ही इज ए क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, एक सेंटेंस बोला मैंने, ही इज ए क्रिकेट प्लेयर, बोला किसने? मैंने। ठीक है, बोला किससे? ही से तो नहीं बोला। ये ही बात में शामिल है क्या? नहीं है। ये ही बोलने वाला व्यक्ति है? नहीं है। ये ही सुनने वाला व्यक्ति है? नहीं है। तो ये ही कौन है? ये ही तो वो व्यक्ति है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, यानी हमारे बात का तो ये मुद्दा है। तो जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे, जिस सब्जेक्ट मैटर पे बात की जाएगी वो स्वयं आपकी बातचीत का हिस्सा नहीं होगा, ना वो बोलने वाला व्यक्ति होगा, ना वो सुनने वाला व्यक्ति होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका थर्ड
पर्सन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम इन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं? थर्ड पर्सन इसलिए क्योंकि ये लोग बेचारे, इनके बारे में बातचीत होती है, ये लोग ना तो बोलने वाले होते हैं ना ही सुनने वाले लोग होते हैं। अब इनके जब हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो इनका पजेसिव एडजेक्टिव ही का हिज हो जाता है, शी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस की जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा टेबल को और बढ़ा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस की जब हम बात करेंगे, ही हिज हिम हो जाएगा, शी हर हर ही रहता है, इट इट्स इट हो जाएगा, और दे देयर देम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और थोड़ा सा इस टेबल को और हम नीचे बढ़ा देते हैं और इसके रिफ्लेक्सिव की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी हम पढ़ेंगे, इसलिए रिफ्लेक्सिव को भी मैं बता देता हूँ। सॉरी, पॉजिटिव प्रोनाउन के ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। ये माइन हो गया, आवर का आवर्स हो गया, यावर का यावर्स हो गया, हिम का ठीक है, ये सब इनके क्या हो गए? पजेसिव प्रोनाउन हो गए। और एक लाइन और लिख लेते हैं नीचे, इनके रिफ्लेक्सिव भी लिख लेते हैं। माई सेल्फ हो गया, अब ध्यान रखना प्लूरल जब भी होगा तो वो ओवर सेल्फ नहीं करोगे, उसे ओवर सेल्व्स हो जाएगा वो। ठीक है, वी ई एस ठीक है। अब यू की बात आती है, यू अगर आपके सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल हुआ है, यू किसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आप क्या करोगे? इसे ओवर सेल्फ करोगे। ठीक है, लेकिन यू प्लूरल के सेंस में यूज हुआ है, बहुवचन के रूप में यूज हुआ है, तो क्या करोगे? योर सेल्व्स करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये यू सिंगुलर भी होता है और यू आपका क्या होता है? प्लूरल भी होता है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये इस प्रकार से एक टेबल है प्रोनाउन की, कि किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं और किस तरीके से इनको लिखा जाता है वाक्य में। जब ये आते हैं तो अपनी एक अलग अलग भूमिका निभाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सनस हो गए, ये हमारे पास सेकेंड पर्सनस हो गए, ये हमारे पास थर्ड पर्सन हो गए। इस टेबल से हमें एक बात समझ में आई कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं हमारे पास, चाहे वो फर्स्ट पर्सन के हों, सेकेंड पर्सन के हों या फिर थर्ड पर्सन के हों, वो हमेशा क्या होते हैं? अपने साथ सिंगुलर भी रखते हैं और प्लूरल भी रखते हैं। तो हमने देखा इनके सब्जेक्टिव केस को देखा, इनके पजेसिव एजेक्टिव केस को देखा, इनके ऑब्जेक्टिव केस को देखा, इनका पजेसिव प्रोनाउन जब बनता है वो क्या होता है, और इनके पजेसिव प्रोनाउन के बाद में हमने रिफ्लेक्सिव केस को भी देखा। तो ये टेबल आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और आगे हम जितने टॉपिक करेंगे, चाहे वो हमारे टेंस का टॉपिक हो, चाहे वो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक हो, या फिर हमारा वॉइस कंस्ट्रक्शन का टॉपिक हो, उसमें ये टेबल आपके बड़ी काम आने वाली है। तो इस टेबल को हमें हमेशा याद रखना है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करता हूं मैं इसकी पर्सनल प्रोनाउन की। तो हमने देखा ये सारे पर्सनल प्रोनाउन थे, जितने भी हमने देखा, आई था आपके पास में, वी था आपके पास में, इस ठीक है पर्सनल प्रोनाउन देखा। अब पर्सनल प्रोनाउन देखा, हमने ये टेबल भी देखी। तो इस टेबल में हमने एक चीज देखी थी कि पजेसिव एजेक्टिव दिया हुआ था। ठीक है, इसमें पजेसिव एजेक्टिव का मैंने एक कॉलम बनाया था। पजेसिव एजेक्टिव का कॉलम क्या था? माई था, माई के बाद में आपका यवर था, यवर के बाद में आपका
आवर था, ठीक है, हिज था, हर था, इट्स था और देयर था, ठीक है। तो ये कॉलम था जिसके अंदर आपने पजेसिव एडजेक्टिव देखे थे। तो मेन बात क्या है, ये कॉलम से आपको बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ये पजेसिव एडजेक्टिव थे और दूसरा क्या था आपका, पजेसिव प्रोनाउन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आता है प्रोनाउन से रिलेटेड वो यहाँ से आता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन में माई का हमने माइन लिखा था, योवर का हमने योवर्स लिखा था, आवर का हमने आवर्स लिखा था, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स था, इट्स का इट्स ही था और देयर का हमने देयर्स लिखा था, ठीक है। तो अब एक सेंटेंस लिखता हूँ, योर डॉटर इज मच इंटेलिजेंट देन माइन या फिर माई, ठीक है। पहला प्रश्न है, यहां से एग्जाम में ये दिया हुआ आता है, ठीक है। योर डॉटर इज मच इंटेलिजेंट देन माइन या माई। अब माइन आएगा या माई आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी, लेकिन आएगी क्या वो हमें पता है नहीं है। तो हमें एक चीज का याद रखना है क्या, कि ये पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने पहले भी बताया था कि ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, ये जितने भी इसमें नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं पजेसिव केस के, ये अपने साथ कोई नाउन तो हमेशा लेंगे जिसके ऊपर ये पजेशन दर्शाएंगे, जिसके ऊपर ये अपना स्वामित्व दर्शाएंगे। तो ये कभी अकेले यूज नहीं होते हैं, ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, एक नाउन को लेते ही हैं। जब तक ये नाउन नहीं लेंगे तब तक ये अपना स्वामित्व नहीं दर्शाएंगे, अपने अधिकार को नहीं दर्शाएंगे। इसलिए इस नाउन को जब ये लेंगे तो इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, जैसे माई फादर, योर कार, आवर स्कूल, है ना, हिज क्लास या हिज बुक, हर ड्रेस, जो भी करोगे आप कभी अकेले नहीं आएंगे, कोई नाउन इनके साथ आएगा। लेकिन आप पजेसिव प्रोनाउन की जब भी बात करेंगे तो इनके साथ में कभी कोई नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर इतनी चीज़ हमें पता है तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो देन माइन या माई, यानी साथ में कोई नाउन हमें दिया हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे दिया हुआ था लास्ट में एक डॉटर शब्द भी लगा देता तो ये डॉटर हमारा क्या होता, एक नाउन बन जाता, उस केस में आपका माई लग जाता। लेकिन अगर ये डॉटर नहीं लगा हुआ, यानी नाउन कोई नहीं लगा हुआ है, तो ये माइन अपने आप में उपयुक्त है, पर्याप्त है, इसी माइन का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, कोई ना कोई नाउन जरूर लेते हैं, जबकि पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं उनको अपने साथ में किसी नाउन की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पर्सनल प्रोनाउन का यहां से आता है, ठीक है। दूसरे में चलते हैं, हमने कहा इट वॉज मी देयर, ठीक है। इट वॉज मी हम कहते भी हैं, सामान्यतः मूवी देखते हैं उनमें भी आपको ऐसा सुनने में मिलता है। कई बार कोलोक्वियल लैंग्वेज में, हम आपसी बोलचाल की भाषा में भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या रखना है, यदि वाक्य में प्रयोग हुआ हो इट, ठीक है, यदि वाक्य में प्रयोग हुआ हो इट और इट के साथ में बी का कोई रूप आया हो, बी का रूप आने का मतलब क्या होता है, इज वॉस, ठीक है, इस तरीके से आए हों, यानी बी की कोई भी फॉर्म आई हो, वर्ब के रूप में बी की किसी फॉर्म का प्रयोग हुआ हो इट के साथ में, तो क्या होता है, हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है।
प्रनाउन के नॉमिनेटिव केस का, नॉमिनेटिव को क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। तो प्रनाउन के हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। यदि इट आया हो और इट के साथ में बी के किसी रूप का प्रयोग हुआ हो तो क्या हो जाता है, ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो इट वॉज आई नहीं होगा, सॉरी इट वॉज मी नहीं होगा, इट वॉज आई होगा आपका, दिस इज करेक्ट। देखने में थोड़ा अटपटा लग सकता है बट दिस इज द करेक्ट वन, यही आप लोगों को करना है। तीसरी चीज आती है, यदि आपके वाक्य में आया हो लेट, ठीक है, यदि आया हो लाइक, यदि आया हो एक्सेप्ट, यदि कोई प्रेपोजिशन आया हो, ठीक है, इन सब में से कुछ भी आया हो, जैसे लेट आई या मी डू दिस, ठीक है, शी लुक्स लाइक, शी या हर मदर, नोबडी नोज एक्सेप्ट यू, ठीक है। तो देखो जब भी इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे, जब भी इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे या कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग हो जाएगा तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है, इनके साथ में हमेशा किस चीज़ का यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव केस का जब आप यूज़ करोगे तो लेट आई कभी नहीं होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो आपको किसका प्रयोग करना है, इस मी का प्रयोग करना है। शी लुक्स लाइक, लाइक दिखती है वो, किसकी तरह दिखती हो, हर, शी तो सब्जेक्टिव केस है ना, हर मदर। नो बडी नोज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के अलावा, आपकी पुत्री के अलावा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस नहीं, हमेशा किसका प्रयोग करेंगे आप, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछते हैं कि लेट जब भी आएगा वो अपने साथ हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस रहता है, लाइक हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा, एक्सेप्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगा, प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ में क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो प्रनाउन हमारी एग्जाम्स में आता है किस तरीके से हमारे सामने डाउट क्रिएट करता है, किस तरीके से इसमें से हमारे सामने अलग अलग क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इसको रिवाइज करिएगा, किसी प्रकार के कोई डाउट्स आप लोगों के आए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम आपके उत्तर देने का हर संभव प्रयास करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को हमारे ही टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, निरंतर हमारी अपडेट्स उस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त करते रहिए। कल की क्लास में आप लोगों से फिर मिलते हैं, इसके आगे फिर चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।